हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लमा मौलाना अलहाज मुमताज अहमद साहब किबला अवेसी, जिनकी सदारत में और हजरत लमा मौलाना अलहाज जुल्फ़िकार अली साहब किबला मैनेजर मदरसा अहले सुन्नत फैजाने औलिया जलालपुर की क़यादत में अहसनुल कुर्रा फ़ख़्रुल कुर्रा हजरत हाफिज़ ओकारी मोहम्मद तैयब साहब किबला इमाम ईदेन शहर जलालपुर ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत से कलामुल्लाह की तिलावत से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत बन कर आने वाले कुरान की तिलावत से सिलसिले जश्न शादी जश्न ईद मीलादुल नबी का आगाज और इफ्तिताह फरमाया। अहमद नदीम टांडवी जैसे हमारी जमात के जी इल्म शायर जिनका इश्क रसूल एक चढ़ते हुए दरिया की तरह है, जब वो कलम को उठाते हैं उनके कलम की स्याही किरदार पर बिखरती है तो उससे जो चमक उठती है उस चमक को जब आप महसूस करते हैं तो यूं लगता है कि जनाबे अहमद नदीम टांडवी हमारी तर्जमानी कर रहे हैं, हमारे दिल की बात कर रहे हैं। वही आवाज़ हमारे दिल की आवाज़ है जो शेर बनकर नदीम टांडवी के बयास से चमक रही है कि या रब दरे सरकार का दरबान बना दे, या रब दरे सरकार का दरबान बना दे, मुझ अदना गदादर को तू सुल्तान बना दे। ऐ साहिब कुरान तू एक निगह करम से बच्चों को मेरे हाफिज़े कुरान बना दे। ऐ साहिब कुरान तू एक निगह करम से बच्चों को मेरे हाफिज़े कुरान बना दे। हर वालदैन की ये आरज़ू है, ये तमन्ना है, ख्वाहिश है, और मुसलमान होने का इतना दर्द तो होना ही चाहिए कि कम से कम अगर हमारे औलाद में हमारे 5 बेटे हैं तो एक बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, एक बेटा आलिमे दीन हो जाए। इतना दर्द मुसलमान होने के नाते हमारे और आपके दिलों के अंदर होना चाहिए। इस मुबारक बाबरकत महफिल के जो भी रचयिता हैं, सजाने वाले रचाने वाले हैं, उन्हें मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तिलावत कलामुल्लाह के बाद, तिलावत कलाम रब्बानी के बाद नातो मरकबत का अब सिलसिला यहाँ से शुरू हो। मैं मकस में हूँ कि किससे गुजारिश की जाए, किसके हवाले माई किया जाए। हिंदुस्तान का वो शायर, वो खूबसूरत लहजा सिर्फ इस वक्त हमारे डाइस पर मौजूद है जिसे रात के उस हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है जिस हिस्से में आधा मजमा नींद की आगोश में हो जाया करता है। नींदों को तोड़ने के लिए, लोगों को नींदों से बेदार करने के लिए, जगाने के लिए जब मुमताज टांडवी जैसा खूबसूरत नाम का ऐलान हो जाता है तो लोगों की नींदें गायब हो जाती हैं। वो पूरी शान शायरी के साथ दाइस पर तशरीफ फरमा है। मुंबई इल्म हिकमत खतीब ज़ीशान वाइज श्री बयान हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली साहब किबला दामन पर खातम आलिया मैनेजर मदरसा अहले सुन्नत की वो तशरीफ लाए और नाम के चंद शेर उनसे आप मुलाकात फरमा ले। मनवा करके मदीना की वरिया पाँचों बेला पुकारल करीला। तलाक करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मनवा करके मदीना की वरिया पाँचों बेला पुकार
मनवा करके मदीना की ओरिया पांचो बेला पुकारल करीला और जब सतावैले तुहरी जुदाई आपन पुरखन के तारल करीला। मूड बनाएंगे तब सुनाएंगे फिर वाला फरमाए कि जब सतावैले तुहरी जुदाई आपन पुरखन के तारल करीला। लगता आप हजरात जो अभी पूरा मूड नहीं बनाया प्यारे, हाँ कोई शेर पसंद जाए सुबह अल्लाह माशाल्लाह नवाजिए तब सुनाएंगे। और शेर मोहब्बत फरमाएं के लिए जिनकी गाड़ी डायरेक्ट चल रही है, जिनकी गाड़ी डायरेक्ट चल रही है कहीं भी एक्सीडेंट कर सकती है, इसलिए हम लोग गाड़ी का ब्रेक बहुत सही रखते हैं ताकि खतरे के निशान से बचे रहें। सिर्फ लाड़ा फरमाएं हाय कई सनी बेईमान बाटे हाय कई सनी बेईमान बाटे तुहरा खाए और तू ही से उलझे ऐसे लोगवन के हम अहले सुन्नत भरी महफिल धुधकारल करीला ऐसे लोगवन के हम अहले सुन्नत भरी महफिल धुधकारल करीला कि मनवा करके मदीना की ओरिया पांचो बेला पुकारल करीला और जब सतावैले तुहरी जुदाई आपन पुरखन के तारल करीला। माशाल्लाह मुझे तो नहीं वक्त दिया गया था। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।